अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स बीन सो लॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रही हूँ। करने को देखा जाए तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलता है, नज़र आता है, जो कि अपसेटिंग है, डिप्रेसिंग है, और उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, विच इज़ गुड। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। कभी जानवरों को मारा जा रहा है, कभी हरेसमेंट केसेस आप देखते हैं इतने सारे। अभी तो मैं आई एम सो डिस्कस्टेड विद दिस केस, ये जो बुशरा बीवी का है। ये तो मैं जनरल बात कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट के आई सपोर्ट अ सर्टन पार्टी तो मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, ऐसा नो, नॉट एट ऑल। एज बीइंग अ वुमेन, मैं ये सोच के, मैं ये देख के मैं हैरान हो गई हूँ कि हम किस लेवल तक गिर चुके हैं। इतने हम गिर चुके हैं कि हम एक औरत की इद्दत को हम डिस्कस, जिसके बारे में क्लियरली बात कितनी दफ़ा ये हो चुकी है और कहा भी गया है कि औरत की बात को माना जाएगा, और नज़र भी आ रहा होता है कि एक चीज़ जिस तरीके से हुई है वो सही है, पर ऑफ कोर्स एक चीज़ बनानी है। और ये इतनी शर्मनाक बात है, इतनी अफसोस वाली बात है, जितना अफसोस किया जाए कम है। और मैं समझ नहीं आ रही कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब ये एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली बात है। हम ऐसी चीज़ें ओपनली, मैं ये समझती हूँ कि एक वो पॉइंट था कि माएँ बेटियों के साथ ये बात नहीं कर सकती थी कि बेटी को बता सकें कि वो जब उसके बच्चियों को जब ये पीरियड्स आने का टाइम होता है तो उनको पहले से प्रिपेयर कर सके। ये वाली चीज़ें घरों में डिस्कस नहीं होती थी, माँ बेटी से ये नहीं कर सकती थी ओपनली। बहुत सारी चीज़ें आप इतनी ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम एक इद्दत केस को और हम ऐसे एक केस को हम कैसे नेशनली इंटरनेशनली उसको दिखा रहे हैं, और हम अपना आप दिखा रहे हैं कि कहने को इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और उसमें क्या हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आई डोंट हैव वर्ड्स के कहाँ से बात, कैसे ही इस बात को कैसे एड्रेस किया जाए। ये वैसी बड़ी अफसोस की बात है, शर्म की बात है, लेकिन शर्म किसको है? शर्म होती तो ये बातें ना होती, और वो भी इतने सालों के बाद याद आ रहा है चीज़ें किस तरह से हो रही हैं सब कुछ। और मतलब मजाक अपना खुद बनवाना, ये सब चीज़ें क्यों हैं, किस लिए हो रही हैं? नज़र तो आ रहा है कि किस लिए हो रही हैं, बट अफसोस है। फिर कल परसों से जो एक और चीज़ है कि वो कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने एक दुकान में एक उस लड़के के ऊपर हरासमेंट का केस करके उस बेचारे को अंदर कर दिया, और वो नज़र भी आ रहा है कि उसका कोई कसूर नहीं है उस लड़के का। और अपेरेंटली मुझे नहीं पता कि सही है, लेकिन एक वीडियो सर्कुलेट हुई जिसमें बता रहे हो किसी वकील की बेटी है, बेटियाँ हैं, और मतलब हमारे यहाँ चीज़ इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि बेटा जाओ किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो और उसको फिर मारपीट भी शुरू कर दो, सब कुछ कर लो। ऐसे हरासमेंट जो है वो इतनी कॉमन है और इतनी नॉर्मल हो चुकी है। इवन तो मैं अगर कोई चीज़ अब किसी पार्टी को अगर मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर मैं कुछ किसी कोई लिखी हुई चीज़ में शेयर सिर्फ कर रही हूँ, तो उस पर मुझे कमेंट्स पे या अलग मैसेजेस पे भी आते हैं कि आपको डर नहीं लगता कि आपको काली वीगो आके उठा के ले जाएगी? मुझे डरना चाहिए अपने मुल्क में रहते हुए? मुझे किससे डरना चाहिए? कितनी गलत बात है, ये हरासमेंट है कि इस तरह से, मतलब इतना कैजुअल है ना ये सब बातें कहना कि कुछ भी ऐसा मत बोलो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलते फिर भी ये बातें होती हैं। आप वो बात बोलते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वही आप बोल रहे हैं, उनको आप बता रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो उस पर भी अगर आप लोग एक दूसरे को आप ये कहना शुरू हो गए कि डोंट से एनीथिंग लाइक दैट, डोंट शेयर कि ये चीज़ें और जो हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई अपने पास से बात लगा के बता रहा है, ऐसा कोई क्यों करेगा? तो जो हो रहा है उस पर अगर आप बात कर रहे हैं तो नो, डोंट डू दैट, डोंट से दैट, वीगो आके उठा के ले जाएगी, ट्यूनिंग हो जाएगी और ये सब कुछ। और हरासमेंट आप इस तरह से लोगों को एक दूसरे को करना, ये हरासमेंट है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा, हमें लग रही नॉर्मल बात है। और कह दो, कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये चलता है, ये वाला कल्चर हो रहा है। और अब बैक टू द पॉइंट कि जहाँ पर लड़कियों ने वो किया, मतलब मैं सोचती हूँ उनके घरों में क्या माहौल होगा।
तो ये सीख कर आ रही हैं वो घर से कि भाई आप बेटा घर बाहर जाके आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, यू कैन ईजिली गेट अवे विद दैट. नो, नॉट एट ऑल. ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें, बल्कि सोचे ही ना, उनको पता हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, होना ही नहीं चाहिए. लेकिन जब जाहिर है वो बात बिल्कुल सही है, इमाम अली का जो कॉल है, और खान साहब भी अक्सर इस बात को कोट करते हैं कि कुफर का निज़ाम डेफिनेटली चल सकता है, लेकिन जुल्म का जो निज़ाम है वो नहीं चल सकता, उससे बर्बाद हो जाते हैं, और हम बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है. और आई एम श्योर सब वही बात कर रहे हैं जो हो रही है, जो नज़र आ रही है, जो फैक्ट्स हैं. एंड ऑन द अदर हैंड वो जो पेड कैंपेन थी, तो बिल्कुल करें, पेड कैंपेन्स करें, कुछ भी करें, लेकिन एटलीस्ट ये देख लें कि बाद में आप जलील ना हो. यू नो, हम सेलिब्रिटीज़ जब करते हैं पेड कैंपेन्स, सभी करते हैं, और ब्रांड्स की स्पेशली किसी प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को भी देख के करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो देख के कि प्रोडक्ट किस लेवल का है. तो आप जब प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ तो भाई गवर्नमेंट लेवल पे बात है, वो भी ज़बरदस्ती की. और फिर अगर आप आई डोंट नो पेड कैंपेन की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, फिर मुझे किसी ने कहा खान साहब के टाइम पे भी होती थी. हाँ जी बिल्कुल होती थी, लेकिन उनके हाथों में ना फैक्ट्स होते थे जब वो पेड कैंपेन करते थे, या मोस्टली तो आई एम श्योर नहीं करते थे पेड, सबका दिल कर रहा होता था ऐसे ही कर दो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना कोई चीज़ हो रही होती है. लेकिन अगर पेड करते तो हाथ में उनके फैक्ट्स होते थे कि ये चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं. पर यहाँ आई फेल दैट कि अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ हैं, और कुछ तो वो व्लॉगर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, लेकिन उनके पास नहीं थे फैक्ट्स, वो सिर्फ यू टर्न्स और राउंड अबाउट्स की बात करके और जल्दी जल्दी बात करके बस ख़त्म कर दी. एनी वेज आई होप नेक्स्ट टाइम ज़रा फैक्ट्स देख लें, और आई होप दैट कि नेक्स्ट टाइम फैक्ट्स हों भी, चीज़ें हों, उनको पेड कैंपेन की ज़रूरत ही ना पड़े, चीज़ें खुद नज़र आ जाएँ. कोई भी हो, काम करने वाला हो तो वो नज़र आ जाता है, काम नज़र आ जाता है, आपको कह के नहीं करना पड़ता, वो देखो वो वहाँ पे काम किया है या ये हुआ है. जो चीज़ है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, जहाँ पैसे लगाने चाहिए, जहाँ रिलीफ देना चाहिए, वहाँ तो हो नहीं रहा, और फजूल की चीज़ों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपये लग रहे हैं, रेनोवेशंस पे लग रहे हैं, पेड कैंपेन्स पे लग रहे हैं. बट दिस इज़ नॉट, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, बट आई फील सैड एंड आई डोंट नो कि जिनके हाथ में कंट्रोल है, जो ये सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं, वो कैसे ये सब करने दे रहे हैं, होने दे रहे हैं. वो क्या समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कितने 100 साल तक है, और उतने ही अरसे तक उनके हाथ में कंट्रोल रहेगा. खौफ खुदा नहीं है, या पता नहीं किस पे बिलीव करते हैं, या क्या चीज़ उनको, किसने क्या कहा है उनको. बस दुआ है कि चीज़ें बेहतर हों, और यकीन भी है इंशाल्लाह कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा, बट ये यकीन नहीं है कि कब होगा. सो या